draw comparative graphs of y equal to fx equal to cos x, y equal to gx equal to x, and y equal to hx equal to cos inverse x. In fact, with function y equal to fx equal to cos x and hx equal to cos inverse x, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं एंड इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होता है. तो पहले इंडिविजुअली मैं तीनों ग्राफ्स के बारे में बात करता हूं. तो ध्यान से देखिए, अगर मैं cos x के बारे में बात करूं तो cos x नोन ग्राफ है, सभी को मालूम है. x से ज्यादा आसान कोई ग्राफ ही नहीं है y इक्वल टू x से. एंड cos इनवर्स x भी जनरली स्टूडेंट्स को मालूम होता है, नहीं मालूम है तो याद करना चाहिए. cos x पीरियडिक फंक्शन होता है. अगर मैं y इक्वल टू cos x के बारे में बात करता हूं तो cos x कैसा फंक्शन है? पीरियडिक फंक्शन है. और इसका पीरियड कितना होता है? पीरियड इसका रहता है 2π होता है. और cos का ग्राफ कैसा आता है? ऐसा ग्राफ इसका मूव करता है. ऐसे ये y इक्वल टू fx इक्वल टू y इक्वल टू fx है, या fx इक्वल टू cos x का ग्राफ है. cos x इसकी डोमेन r है, 0 से लेके ये 2π इसका पीरियड है, 2π लेंथ के बाद रिपीट करता है. एंड ये आई थिंक सभी को मालूम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं. x y इक्वल टू x से आसान कोई फंक्शन होता नहीं है. ये y इक्वल टू x है, लीनियर फंक्शन है, y इक्वल टू x है. एंड cos इनवर्स x मेरे पास कैसा आता है? cos इनवर्स x की डोमेन थोड़ी कम हो जाती है, -1 से लेके 1 तक होती है और रेंज होती है 0 से पाई. ये -1 को मैं पाई रहता है. ये मेरे पास hx इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ है. अब यहां पर जो बात मुझे समझनी है, इनफैक्ट इनवर्स फंक्शन का एक कंसेप्ट होता है कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब 1-1 ऑन 2. तो cos इनवर्स x, cos x का इनवर्स हम ये नहीं कह सकते cos x का इनवर्स है, लेकिन हम अगर ये कहें कि cos x मेरे पास डिफाइंड है और साथ में उसकी डोमेन दी है 0 से पाई तक, 0 से लेके पाई तक उसकी डोमेन है, मींस fx इक्वल टू cos x दिया है और साथ में ये भी है कि f सच दैट 0 टू पाई 2 माइनस 1 टू 1 है. fx f सच दैट 0 टू पाई 2 माइनस 1 टू 1 है. तो इस डोमेन के लिए ये 1-1 ऑन 2 टाइप फंक्शन हो जाता है. स्टिकली डिक्रीजिंग है, इसकी रेंज भी -1 से 1 आ जाएगी. और 1-1 ऑन 2 टाइप ऑफ फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं, ये इनवर्स फंक्शन में आपको सीखने को मिलेगा. तो अगर fx f सच दैट 0 टू पाई 2 माइनस 1 टू 1 है और fx इक्वल टू cos x है, तो उसका जो इनवर्स फंक्शन है वही क्या है? cos इनवर्स x है. अगर मैं कंपेरेटिवली इन तीनों ग्राफ्स को बनाऊं, इनवर्स फंक्शन में x y बनता है और y x बनता है, तो अच्छे समझ आएगा. कंसंट्रेट करिए, ये मैंने क्या किया, x एक्सिस y एक्सिस बनाई, इसके बाद y इक्वल टू x लाइन बनाई. y इक्वल टू x लाइन, ये मेरे पास y इक्वल टू x तो मेंशन भी करना है मुझे, y इक्वल टू x है ये. इसके बाद cos x बनाया, cos x में 0,1 है ये. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0,1. ये कितना होता है? पाई बाई 2,0. पाई बाई 2 1 से ज्यादा होता है. पाई बाई 2,0 है ये पॉइंट. एंड ये पॉइंट कितना है? पाई कोमा माइनस 1. तो पाई कोमा माइनस 1, ये पाई कोमा माइनस 1 है. ये cos x का ग्राफ मैंने कंसीडर कर रहा हूं ओनली किस पार्ट पे, माइनस 0 से लेके पाई तक का. तो इसका जो ग्राफ है मेरे पास वो कैसा आएगा? इसका ग्राफ इस टाइप से आएगा. cos x लाइक ऐसा रहता है, ऐसा. इस पार्ट पर फोकस किया मैंने, कंसंट्रेट करिए. ये मेरे पास cos x है, y fx इक्वल टू cos x है. अगर मैं इस ये cos x 1-1 ऑन 2 है, लगातार डिक्रीजिंग है. अगर मैं इसकी x को y बना दूं और y को x बना दूं तो इसका इनवर्स आ जाएगा. इनफैक्ट cos इनवर्स x इसी फंक्शन का क्या है? इनवर्स फंक्शन है. और इनवर्स फंक्शन में x y बनता है और y x बनता है, इसलिए इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? मिरर इमेज होता है fx के ग्राफ के अबाउट द लाइन y इक्वल टू x.
तो 0.1 की मिरर इमेज कितनी आएगी, 1.0 यहां पे आएगा, इसकी मिरर इमेज 0.1 की मिरर इमेज 1.0 आ जाएगी। पाई बाई 2.0 की इमेज कहां जाएगी, 0.π/2 जाएगी। कंसंट्रेट करिए, पाई कोमा एक्स पाई बनना है, वाई एक्स बनना है, तो पाई कोमा -1 की इमेज कहां जाएगी, -1.π जाएगी, यहां जाएगी -1.π। सिंपल है कि एक्स वाई बन रहा है और वाई एक्स बन रहा है, तो ये मैंने मिरर इमेज ली, ये पॉइंट कितना मेरे पास 0.π/2। तो अगर मैं पूरे ग्राफ की मिरर इमेज लूंगा तो मेरे पास कैसा आ जाएगा, लाइक वर्क ऐसे जाएगा, ये लग भी रहा है एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये मेरे पास क्या आ गया, एच एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया। एच एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या है, -1 से 1 है। -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, पाई आ रही है। 1 पे वैल्यू 0 आ रही है। ये क्या है, मिरर इमेज ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स वैन एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 to π, तो वो इसकी मिरर इमेज है। तो ये कंपेरेटिवली ये ग्राफ हम इस तरह से इसे देख सकते हैं, ठीक है ना, याद भी करना चाहिए, बात समझ में आ गई है। ये मेरे पास इस टाइप का ये ग्राफ आ गया, कंपेरेटिव नेचर काफी काम का है, ये हमें जरूर ध्यान भी रखना चाहिए अच्छे से। कंपेरेटिव ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स एंड कॉस एक्स, इसका कंपेरेटिव नेचर हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आ गया है, ऐसा ये फंक्शन है। लाइक जो ग्रीन है वो क्या है, कॉस एक्स है 0 से π में, और जो रेड है वो क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, एच एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, और ब्लैक है वाई इक्वल टू एक्स लाइन है। इनफैक्ट इसका एक्स कोऑर्डिनेट मैं कह सकता हूं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 1 से कम होगा। लेट ये अल्फा कॉमा कॉस अल्फा है, तो और यहां पर कॉस इनवर्स अल्फा भी यही है, तो ये इसका जो रूट है ये इक्वल किस पर आ रहा है, ये नंबर एक्स से कम होगा, ठीक है। तो अगर मैं कॉस एक्स को 0 to π से -1 to 1 के बीच में डिफाइन करता हूं, कि 1.1 होता है, ये बाद में समझ में आएगा ढंग से, और ये इन्वर्टिबल होता है, अगर मैं इसको एक्स और को वाई बना दूं, वाई को एक्स बना दूं, तो इसका जो इन्वर्स आता है वही क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, और इसका जो कंपेरेटिव ग्राफ है उसका ग्राफ कॉस एक्स का ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होते हैं, मिरर इमेज एक दूसरे की या सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन, एक ही बात है, ठीक है ना, ओके।